हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज आपको क्या पढ़ना है, क्या हमें अपने टास्क कवर करना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, वो यहाँ पर हम आपको देना चाहते हैं। अगर आप लोग IAS का 2023 PT देने वाले हैं तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज की जरूरत होगी। तो विजन की टेस्ट सीरीज है वो मार्केट में आ गई है, अब उसके टेस्ट पेपर है वो आपको हम भी उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम पर 3 टेस्ट पेपर कल रात में सेंड कर दिए गए थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे क्लब IAS असिस्टेंट तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप लोग इस वीडियो या फिर किसी भी वीडियो के कमेंट में एक कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए, तो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ओके, तो आप वहां पर ज्वाइन होंगे तो टाइम टू टाइम जो भी नए टेस्ट पेपर आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आता है, वो आपको वहां पर सेंड कर दिया जाता है। वहां पर अभी विजन के सेंड किए जा रहे हैं, जैसे IAS बाबा का आएगा, इनसाइट का आएगा, इन सभी के भी टेस्ट पेपर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। डस्टी IAS के भी उपलब्ध कराए जाएंगे, पिछली बार भी कराए गए थे, इस बार भी आपको सारे टेस्ट पेपर उसी तरह से उपलब्ध कराए जाएंगे। करंट अफेयर भी आपको सारा का सारा वहां पर उपलब्ध कराया जाता है। और जो लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो उन्हें भी परेशान नहीं होना है, कुछ दिनों के बाद एक वीडियो बना देंगे वहां पर। ड्राइव पर हम थोड़ा लेट अपडेट करते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर तुरंत 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 सेंड कर दिया जाता है। तो आप लोग अगर टेलीग्राम यूज नहीं करते तो भी परेशान नहीं होना है, तो हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। आप उस वीडियो में आकर के, हमेशा एक लिंक दिया रखा होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ड्राइव से डायरेक्ट। ओके, चलिए अभी हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो आज देखिए, आपको यहाँ पर आपकी तैयारी का 29वां दिन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 6 अगस्त है। तो आज आपको हिस्ट्री की NCERT जो क्लास 7 की है, जिसका नाम है अवर पास्ट टू, हमारा अतीत, पार्ट 2 के नाम से, भाग 2 के नाम से आपको देखने को मिलेगी। इसके आगे के आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। तो देखिए, आज आपको थोड़ा सा ज्यादा टास्क है पढ़ने के लिए, लेकिन एकदम परेशान नहीं होना है। हम आपको आज क्वेश्चन लिखने के लिए नहीं देंगे, और कल संडे है तो भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एडिटोरियल, तो आजकल न्यूज़पेपर का जो भी एडिटोरियल यानी कि लेख है, उसको आपको एटलीस्ट एक लेख को या एक एडिटोरियल को आपको पढ़ना है। ओके, और इसको एक स्टोरी के फॉर्म में ही इन चैप्टर को पढ़ना है, आपको इसके नोट्स नहीं बनाने हैं। जिन एनसीईआरटी के नोट्स आपको बनाने नेसेसरी होंगे, जरूरी होंगे, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं मैपिंग टास्क क्या कवर करना है। तो देखिए, यहाँ पर आज का जो मैपिंग टास्क है वो एशिया की फिजिकल लोकेशन है वो हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक मलाया पेनिसुलर देखने को मिलेगा। तो देखिए, मैं थोड़ा सा साइड से हट जाता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको मलेशिया देखने को मिलेगा। तो यही मलेशिया है ना, यही इसी को क्या बोलते हैं, मलेशिया को मलाया पेनिसुलर के नाम से जानते हैं, समझ गए आप लोग? देखिए, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, अगर मुझसे छुप जा रहा हो तो। एक नंबर एक की लोकेशन। अब देखिए, आपको इसी तरह से घूमना है, अगर आप इसी तरह से घूमेंगे सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। फिर देखिए, आपको यहाँ पर इंडो चाइना पेनिसुलर, इंडो चाइना पेनिसुलर, आप ऐसा कौन सा पेनिसुलर है जो इंडो चाइना के नाम से जाना जाता है, भारत चीन के नाम से जाना जाता है? तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये जो है ना, ये वाला पेनिसुलर आपको पूरा देखने को मिलेगा, जिसमें थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, ये जो पूरा आपको देखने को मिलेगा यही है इंडो चाइना पेनिसुलर के नाम से जानते हैं। दूसरी लोकेशन आपको ये देखने को मिलेगी। ओके, अब इसी तरह से आपको आगे बढ़ते चलना है, आपको सारे मिल जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर कोरेत प्लेटू, तो कोरेत प्लेटू है ना जो लायो लाओस के पास आप लोग देखेंगे, यानी कि जो आपको ये पेनिसुलर पढ़ाए हैं, इसके नॉर्थ में आप लोग जाएंगे तो आपको आराम से प्लेटू देखने को मिल जाएगा, पठार देखने को मिल जाएगा। ओके, फिर आपको देखिए यहाँ पर सान प्लेटू देखने को मिलेगा, तो सान प्लेट्यू भी आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, सान प्लेट्यू। ओके, फिर आप लोग थोड़ा सा आगे आएंगे, आप लोग थोड़ा सा आगे आएंगे, फिर आपको प्लेन ऑफ गंगा देखने को मिलेगा, यानी कि ये क्या है, गंगा का मैदान, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर आप लोग थोड़ा सा आगे आएंगे, फिर आपको देखिए यहाँ पर दक्कन का पठार देखने को मिलेगा। फिर ऐसे घूमते आइएगा, आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, घाट क्या होता है, तट होता है, ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। फिर आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, इसी तरह से आगे आप लोग जाएंगे। फिर आपको देखिए यहाँ पर थार डिजर्ट आपको देखने को मिलेगा, थार डिजर्ट मतलब जो राजस्थान में है। ओके, जिसको ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं, या फिर थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। ओके, फिर आप लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखिए पोतवार प्लेट्यू देखने को मिलेगा। ये पोतवार प्लेट्यू कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, पाकिस्तान से अफगानिस्तान में जाने के लिए आपको एक दर्रा पार करना पड़ेगा, एक पास की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं खेबर पास बोलते हैं। तो खेबर पास वो किस किस के बीच में है, आप लोगों को ध्यान रखना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगर आप पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाना चाहते हैं नॉर्थ से, तो आपको इस पास के माध्यम से जाना होगा, क्योंकि उधर पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, तो दर्रा के माध्यम से आप जा सकते हैं। इस दर्रा से होते हुए हम आगे जाएंगे
और कल आगे की लोकेशन देखेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो आज की इतनी ही लोकेशन है जो आपको सर्च करनी है बहुत अच्छे से। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ नंबरिंग ही करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नंबरिंग सर नहीं फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो लिख लेना ज्यादा बेटर है। नहीं, आप लोगों के पास में एटलस किस लिए होता है, जैसे आप लोग नंबरिंग लिखेंगे ना ऐसे, फर्स्ट यहाँ पर देखिए इस तरह से फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, फिर आप लोग यहाँ पर थर्ड लिखेंगे, फोर्थ लिखेंगे, और ये फिफ्थ लिखेंगे, और ये सिक्स नंबर का, ये सेवन नंबर का, ये एट नंबर का, ये फिर इसके बाद में नाइन्थ नंबर का, फिर इधर ये टेंथ नंबर का हो जाएगा, और फिर ये इधर रहे इलेवन नंबर का। तो आप जब नंबरिंग करेंगे आप कहेंगे सर हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हम भूल गए, तो कोई बात नहीं है, एटलस में आपने गोला करके खींचा है ना, आपको थोड़ा दिमाग लगेगा, जब भी आप भूल जाएंगे, पहली बात तो आप भूलेंगे नहीं, अगर आप टाइम टू टाइम अभी रिवाइज करेंगे, रिवाइज करते रहिएगा, जब भी आप मैपिंग लोकेशन कवर कीजिए, आपको जो टास्क दिया जाता है इसको करने से पहले जितनी लोकेशन अभी तक हमने आपको दी है वो सबसे पहले आपको रिवाइज करनी होती है, फिर आगे की देखनी होती है, जिससे आप लोग हमेशा नंबरिंग के थ्रू ही याद कर पाएंगे। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं इसका नाम देखूं, नाम देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, कहेंगे भूल गए तो क्या, एटलस किस लिए है, एटलस उठाइए तुरंत आप देखिए। ओके, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप लोग इसी तरह से नंबरिंग करते हुए आगे पढ़िएगा। और देखिए अभी आप लोगों के लिए यहाँ पर ज्योग्राफी इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट है वो कवर करा दिया गया है, जैसे कि जुलाई में अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त में हम लोग हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का टास्क है वो कवर कर रहे हैं, और इसी तरह से सितंबर अक्टूबर नवंबर में हम आगे की एनसीईआरटी है कवर करेंगे। टास्क है डेली सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है। और इसके अलावा आप लोगों के लिए 3 बैच फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आपके लिए लॉन्च किए हैं, एक UBPCS का, और साथ में आपको एक BRPCS का देखने को मिलेगा, और एक IAS यानी कि UPSC का आपको बैच देखने को मिलेगा। ओके, ये तीनों बैच की टाइमिंग की अगर बात करें तो देखिए ये PCS का बैच आप लोगों का चलता है, लाइव क्लास चलती है 3 बजे से 5 बजे तक, अभी UPPCS की चल रही है, ये फिनिश हो जाएगा जल्दी ही, फिर आपकी BRPCS की चला करेगी 2 घंटे की क्लास। देखिए ये आपका IAS का बैच यहाँ पर चलता है, 6 बजे आप लोग आएंगे, और जो लोग PCS की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी 6 बजे वाला बैच ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर जो PCS का कॉमन सिलेबस है वो यहाँ पर ही कवर कराया जा रहा है, जैसे इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, ओके, हिस्ट्री है, जो PCS में भी पूछा जाता है वो IAS में भी पूछा जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा जो कॉमन सब्जेक्ट है ना वो PCS का हम आपको बता देते हैं, तो देखिए वो यहाँ पर कवर कराया जा रहा है, और जो PCS स्पेशल है वो आप लोगों का यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। इसके अलावा आपको एक रिकॉर्डेड क्लास है वो मिलती है शिवम सर के द्वारा, ये रिकॉर्डेड क्लास होती है, ये दोनों लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को संडे को टेस्ट होता है, डाउट क्लियरेंस सेशन भी आपका मंथ में 2 बार कम से कम कराते हैं, और इसके अलावा सुबह 8 बजे टास्क के आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है, और ये सारी क्लासेस ये भी यूट्यूब चैनल पर मिलती हैं। प्रीवियस क्लासेस की सारी की आप लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी, जैसे IAS बैच का देखने को मिलेगा, PCS बैच का, ये BRPCS बैच का, यहाँ पर ये टास्क वाली वीडियो अगर के आप लोग देख सकते हैं, इसी तरह से करंट अफेयर वाली वीडियो, तो सारी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, सारे के सारे लेक्चर इसमें अपडेट हो जाते हैं, तो कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। ओके, और देखिए यहाँ पर किस सब्जेक्ट पर हम कितनी क्लासेस आपको, कितने घंटे की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे, ये सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर विस्तार में दी गई है। आप लोगों के आई कार्ड बन गए जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए, जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किए अभी तक उनके आई कार्ड नहीं बने हैं, तो आपको जाकर के ये वाली वीडियो देख लेनी है, सेम थंबनेल लगा हुआ होगा, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दी है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहे।